नमस्कार, स्वागत है आपका अजीम हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। देश को जवाब दो, आप देख रहे हैं। बात कोविड की होगी, कोरोना की होगी, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, खतरा बरकरार है। कोरोना से ठीक होकर घर तो आ गए लोग, लेकिन उसके बावजूद मौत से सामना हो सकता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक है कि ठीक होने के बाद भी कोरोना मरीज खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ जा रहे हैं और बड़े बड़े खतरों से घिर जा रहे हैं। इसमें हार्ट अटैक से लेकर ब्रेन स्ट्रोक तक इतने बड़े खतरे शामिल हैं। इसके अलावा कई और ऐसी बीमारियां हैं जो पोस्ट कोविड मरीजों की जान ले लेती हैं। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना से ठीक होने के बाद सावधानियां क्या क्या बरतनी है। इसके लिए हमारे कुछ सवाल भी हैं और उन सवालों को आपके सामने एक एक कर रखते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों पर क्या क्या खतरे हैं। हर एक खतरा आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। अगला सवाल, पोस्ट कोविड मरीजों की निगरानी कितनी जरूरी है, क्योंकि एक बार तो हम कोविड से नेगेटिव हो गए, लेकिन उसके बाद सावधानी क्या बरतनी है वो भी हम आपको बताएंगे। अगला सवाल, ऐसे मरीजों के लिए सरकारी स्तर पर जागरूकता कितनी जरूरी है, क्योंकि एक बार आप अस्पताल से डिस्चार्ज तो हो गए, लेकिन क्या क्या सरकार के स्तर पर भी होना चाहिए वो भी सवाल उठाएंगे। इसके अलावा ठीक होने वाले मरीजों के लिए सतर्कता कितनी जरूरी है, यानी कि कोरोना से तमाम नियमों का पालन करना कितना ज्यादा जरूरी है। क्या ऐसे मरीजों के लिए अलग अस्पताल की जरूरत है, यानी कि पोस्ट कोविड अस्पतालों की भी जरूरत अब देश में नजर आती है, क्योंकि अब तक कई ऐसी मौतें हो चुकी हैं जहां रिपोर्ट तो नेगेटिव हो गई, लेकिन उसके बाद कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि झटके से इंसान की जिंदगी खत्म कर देती है। और बात आज इसी पर करेंगे, आपके तमाम सवालों का जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यह खतरा कितना बड़ा है वो समझाने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना को आपने हरा दिया, बधाई हो। कोरोना से ठीक होकर चंगे हो गए, अच्छी बात है। अस्पताल से दुरुस्त होकर घर लौट आए, बहुत बढ़िया। लेकिन ठहरिए, कोरोना को आपने मात तो दे दी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। खतरा बेहद बड़ा है, इतना बड़ा कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। 2021 वाला कोरोना को हल्के में मत लीजिएगा। नया म्यूटेंट है, नया स्ट्रेन है, ठीक होने के बाद भी मरीजों के सिर पर मौत बनकर मंडरा रहा है। कैसे, हम आपको बताते हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों के लिए सबसे बड़ा खतरा हार्ट अटैक बनकर उभरा है। कोरोना सीधे दिल पर असर डालता है, दिल की मांसपेशियों को कमजोर करता है, दिल की धड़कनों की रफ्तार रोक देता है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड जनरल की एक स्टडी के मुताबिक कोरोना से गंभीर तौर पर पीड़ित मरीज जो रिकवर हो चुके थे, महीने भर बाद भी उन्हें हार्ट डैमेज से लेकर हार्ट अटैक जैसे खतरे देखे गए। कोविड 19 से ठीक होने के बाद कई मरीजों में खून के थक्के भी बनने की बात सामने आई, जिसकी वजह से कोई भी अंग काम करना बंद कर देता है, और ये हार्ट अटैक के लिए एक बड़ी वजह माना जा रहा है। ऐसा कतई नहीं कि कोविड रिपोर्ट निगेटिव से पॉजिटिव हो चुकी है फिर क्या चिंता करना। चिंता जरूरी है, क्योंकि ठीक होने के बाद भी आपके फेफड़ों पर आफ्टर इफेक्ट दिख सकता है। कोरोना के बाद म्यूकोर माइकोसिस फंगस भी मरीजों पर अटैक कर रहा है। पहले ये आंखों की रोशनी छीनता है, फिर ब्रेन पर जानलेवा अटैक करता है। ब्लैक फंगस मरीजों की हड्डियां तक गला दे रहा है। यानी कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों के लिए बेहद ही सावधानी का वक्त है। शरीर के हर बदलाव पर नजर रखनी होगी। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको मौत के मुंह में ढकेल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश में आज कोरोना से निजात पाने वाले लोग ये मानकर चलते हैं कि वो एक बड़ी जंग जीत गए। ऐसा है भी, आप जंग जीत भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद कई ऐसी परेशानियां या बीमारियां आपके दर पर खड़ी हैं जो आपको मुश्किलात में डाल सकती हैं। और देश में ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं जहां लोगों को जान तक गंवानी पड़ी है। और इन्हीं परिस्थितियों पर हम बात करेंगे कि पोस्ट कोविड आखिर किस तरीके से सावधानियां बरतनी है, लक्षण क्या होते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन मौजूदा समय में हमारे साथ सुमित जुड़ गए। सुमित, क्योंकि आप दिल्ली में लगातार रिपोर्टिंग करते रहे, उस रिपोर्टिंग के दरमियान आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है, लेकिन देश में आज ये भी एक स्थिति है कि कोरोना ठीक होने के बाद भी कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, और इस पर किस तरीके के शोध सामने आ रहे हैं, किस तरह की बातें डॉक्टर्स की ओर से कही जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि लोग एक हफ्ते बाद ठीक हो जाते हैं, उसके बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर जो है अनुराग हो जा रहा है। कई आपने देखा होगा, कई वरिष्ठ पत्रकार हैं या फिर कई पेशों में काम करने वालों को ऐसी दिक्कतें हुई हैं, और वो समझते थे कि उनकी जो तबीयत है वो ठीक हो गई है, वो कोरोना से रिकवर हो गए, लेकिन क्या बाद में क्या तस्वीरें निकल कर सामने आई
कि उनका हार्ट फेल हो गया और उनकी मौत हो गई। तो ऐसे जो तमाम तथ्य हैं वो अब सामने आ रहे हैं, तो ये एक तरह से चिंता की बात है, क्योंकि ये जो कोरोना है, क्योंकि कोरोना के जो नए सिम्टम्स हैं जो कि यूके स्ट्रेन का है या फिर अमेरिकन स्ट्रेन का है, ये मल्टी ऑर्गन फेलियर का संकेत दे रहा है। तो एक जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और भी लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और कुछ खास लोग अगर ठीक भी हो जाते हैं तो वो ये ना समझे कि वो पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। यानी कुछ अन्य लड़ाई अभी भी जारी रहेगी अगर आप कोरोना से ठीक हो जाते हैं तो। यही दरअसल आज देश की जनता को समझाने का मकसद है और देश को जवाब दो में उन तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल, नामी गिरामी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर डीएस राणा हमारे साथ जुड़ गए जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल के, दिल्ली से हमारे साथ इस खास कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर ऋषि गुप्ता जुड़ गए जो कि डायरेक्टर है कार्डियोलॉजी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के। इसके अलावा भी हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़ते जाएंगे उनका तारुफ आपसे करवाएंगे। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर एमसी मिश्रा जी आप ही से करते हैं, पोस्ट कोविड को लेकर डॉक्टर्स की रिसर्च क्या कहती है सर? क्योंकि अभी आम जनता के मन में जहन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अभी व्हाट्सएप पर भी कई मैसेजेस रिवॉल्व हो रहे हैं, उसको भी अगर लोग जहन में रखते हैं तो डर बढ़ जाता है। असल स्थिति क्या है पोस्ट कोविड को लेकर? देखिए, पोस्ट कोविड सीक्वली बोलते हैं कि जो आफ्टर रेजिडुअल इफेक्ट्स कोविड के होते हैं, और जिन लोगों को गंभीर कोविड होता है उन लोगों में ज्यादा होते हैं, जिनको माइल्ड होता है उन लोगों में ऐसा कुछ देखने में नहीं आता है जी। जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, आईसीयू में रहते हैं, कुछ लोग वेंटिलेटर से भी निकल आते हैं, तो उसमें कई तरह के इनको होते हैं, जिसमें आपके कॉग्निटिव डिक्लाइन भी होता है, हमारे ब्रेन का कार्डियक पे भी, हार्ट पे भी असर पड़ता है, जिसमें कार्डियोमायोपैथी होती है वायरस की वजह से। इसके बाद लंग्स में जिसका इन्वॉल्वमेंट है उसको तो प्रॉब्लम होती ही है, उसी की वजह से वो आईसीयू में गया होता है, तो उसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की लंबे समय तक रिक्वायरमेंट रह सकती है। इसके अलावा जो आपने कहा हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, जिनको हम बोलते हैं खून थिक हो जाना, उसकी वजह से भी समस्याएं देखने में आई। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो साइकोलॉजिकल जो एंजाइटी और स्ट्रेस डिसऑर्डर है जी, वो भी देखने में आता है काफी लोगों में। किसी में पहले से होता है वो फ्लेयर अप कर जाता है, किसी में पहले से नहीं होता है, उन लोगों में आईसीयू साइकोसिस, आइसोलेशन की साइकोसिस, लोग एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये बहुत सारे इस कारण होते हैं इसके, और लोगों को इसीलिए जो ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, अपना कार्डियक इवेल्युएशन जिनका भी आईसीयू में गए उनका इको वगैरह करते रहना। ये तमाम जब परिस्थितियां होंगी डॉक्टर ऋषि जो बातें एमसी मिश्रा जी ने कही, अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, ये जब तमाम परिस्थितियां होंगी तो क्या डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, या फिर इन परिस्थितियों से आप घर रहकर भी जूझ सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं? देखिए, जो डॉक्टर मिश्रा ने कहा है उसमें कुछ परिस्थितियां, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनमें आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन से आप काम चला सकते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो काफी क्रिटिकल हैं, लाइक जैसे डॉक्टर मिश्रा बात कर रहे थे कि हार्ट डिजीज के बारे में, कार्डियोमायोपैथी के बारे में, या कार्डियक रिदम एबनॉर्मलिटीज के बारे में। एक्चुअली ये देखा गया है कि जब भी किसी पेशेंट को कोरोना होता है तो ऑलमोस्ट जो जिन लोगों को सिवियर कोरोना होता है उन लोगों में 20-30% लोगों को कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस होते हैं, और ये देखा गया है कि उनको मायोकार्डाइटिस हो सकती है जिसमें हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, और जो दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कार्डियक रिदम एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, कई बार धड़कन बहुत स्लो हो जाती है, इनफैक्ट कुछ केसेज हैं जहां पे पेसमेकर भी लगाना पड़ा है, और कार्डियक रिदम एबनॉर्मलिटी लाइक एट्रल फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन टाइप की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे पेशेंट्स में देख रहा हूँ, कार्डियक हार्ट के पेशेंट, कि कोरोना की वजह से ब्लड थिक होने की वजह से हार्ट अटैक की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, और वेन के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्लॉट बनने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके की सिचुएशन में जहां पे क्लॉट बनने की टेंडेंसी हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो नॉर्मली जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो हम क्रिटिकल मानते हैं, उनमें ऐसे पेशेंट को जरूरी है कि अस्पताल में तुरंत एडमिट कराया जाए और उस समय तुरंत अस्पताल में उनको देखा जाए।
ठीक है, यदि कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है और कार्डियक प्रॉब्लम सर, इसी पर बात करते रहेंगे और क्या सावधानियां, क्या कदम उठाया जाए, ये जानकारियां भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर डीएस राणा जी जुड़े हुए हैं जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल के, और इसके अलावा डॉक्टर प्रज्ञेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले डॉक्टर डीएस राणा जी, मैं आप ही के पास आता हूं। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई कि जिस तरीके से सर गंगाराम अस्पताल इस वक्त काम कर रहा है कोरोना से लोगों को निजात दिलवाने के लिए, आप बहुत करीब से तमाम परिस्थितियों को देख पा रहे हैं, लेकिन सर उसके साथ साथ जो पोस्ट कोविड के सिम्टम्स हैं उसको एनालिसिस आपके अस्पताल में या आप लोगों ने किस तरीके से किया, खास तौर पर एक बहुत बड़ा खतरा जो लोगों के लिए नजर आ रहा है क्योंकि बिहार जैसे राज्य की बात करें, दिल्ली में बात करें, कुछ केसेस इस तरह से भी सामने आ चुके हैं कि वहां पर आंखों में फंगल इन्फेक्शन हो जा रहा है, उससे लोगों की आंखें चली जा रही है या जान जाने के दूसरे बहुत सारे कारक सामने आ रहे हैं, उस पर क्या स्टडी है सर आप लोगों की? हमारी काफी केसेस आ रहे हैं, मैं स्टडी के बारे में तो पूरा नहीं बता सकता हूँ कितने, काफी केस इस टाइम भी हमारे पास 14 केस रजिस्टर्ड हैं जो एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो यहाँ जो डॉक्टर हैं जो उनकी एक स्किल हो गई है, सब लोग गंगाराम आना चाहते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अभी अभी मतलब अभी एक मिनिस्टर ने लखनऊ से पेशेंट रवाना किया जो 6 घंटे में यहाँ पहुँचेगा। तो ये फेयरली कॉमन है, जो म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, नॉट वेरी कॉमन, बट ऐसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन जी। उस कॉम्प्लिकेशन का मुख्य कारण है जो लोग स्पेशली लोग मोस्टली सारे डायबिटिक होते हैं, और डायबिटिक पेशेंट में हम स्टीरॉयड यूज कर रहे हैं, और कई मैं ये कहता हूँ कि स्टीरॉयड बिल्कुल जूसियस यूज करो जिससे ये कम हो सके, पर जो उसकी एक कोई पॉलिसी बननी चाहिए कि उससे ज़्यादा स्टीरॉयड देना चाहिए, वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वैसे जब भी स्टीरॉयड देने पड़ते हैं किसी बीमारी के लिए, इवन ट्रांसप्लांट पेशेंट में देते हैं उसमें देते हैं, पर वहाँ इतनी कॉमन नहीं होती है। यहाँ हमने एक बड़ी कॉमन देखने लगे कि एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन, एक कॉमन इन द सेंस नॉट वेरी कॉमन बट विजिबल, वेरी अनहर्ड, दैट हैज बिकम स्लाइटली लिटिल मोर विजिबल एक्चुअली। तो लोगों को कॉम्प्लिकेशन मिल रही है और इसका ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट बड़ा डिफिकल्ट है वैसे, तो बहुत से टाइम को आँख निकालनी ही पड़ती है और ताकि जान बचाने के लिए, उसके बाद एंटी फंगल ट्रीटमेंट काफी। मैं आपने क्योंकि इसका पूरा वो बताया कि किस तरीके से ये लोगों को हो सकता है या इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, अगर मैं आपसे ये भी समझ पाऊँ, क्योंकि जो जनता देख रही होगी उनके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कोविड ठीक हो गया यानी कि रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, तो उसके कितने दिन बाद तक इसके लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, और क्योंकि कोविड ठीक होने के बाद लोगों के मन में बहुत सारे सवाल इस तौर पर भी रहते हैं कि चलिए मेरी कमजोरी है इस वजह से हो सकता है या कोई और वजह हो सकती है, तो लोग उसको लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आते, तो कितनी जल्दी इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है? कोविड नेगेटिव होने से और पॉजिटिव होने से कोई बीमारी का अब कोई मतलब नहीं है। यदि किसी के 14 दिन हो बीत गए हैं जी। और तो एक रेस्पिरेटरी फेज ठीक हो गई है और सांस वगैरह ठीक हो गया है, तो उसके बाद पेशेंट कोविड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसका ना हमारा डिस्चार्ज से भी हटा दिया गया है और इसका कोई महत्व नहीं होता है, कि उसके बाद जो भी पॉजिटिव होता है वो डेड वायरस होता है। पर ये जो कॉम्प्लिकेशन जो आप काउंट कर रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेशन नॉर्मली इमीजिएटली नहीं होती हैं, 2-3 हफ्ते बाद जब स्टीरॉयड से साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, जो कॉमन सेल्स होते हैं जो आप म्यूकर माइकोसिस की बात कर रहे हैं, फंगल या कहीं दूसरे भी इन्फेक्शन होते हैं, जब रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है तो ये इन्फेक्शन, ये चीज़ें इन्फेक्शन हो जाती हैं 2-3 हफ्ते में, 4 में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो है डॉक्टर साहब अभी डिस्कस कर रहे थे, हार्ट की बीमारी तो हम बड़ी कॉमन देख रहे हैं हमारे स्पेशली, मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, तो हम अपने पेशेंट में बड़ा कॉमन देख रहे हैं कि देखते देखते पेशेंट कोलैप्स हो जाते हैं। आज सुबह की बात है कि पेशेंट परसों भर्ती किया था और ठीक ठाक था, बाथरूम में गया, बात अपने दोस्त साथ वाले बेड में जो उसके बेड के साथ साथी बैठा था वही ट्रांसप्लांट था, उसके गप्पे मार रहा था और बातें बातें कोलैप्स हो गया, वी कुड नॉट रिवाइव हिम। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है और इसके कारण डॉक्टर मिश्रा ने बताया, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने बताया, इन्होंने सारे क्या कारण है और वो उसके लिए व्यवस्था भी देते हैं, एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं जो देते हैं, पर उसके बावजूद भी कॉम्प्लिकेशन हार्ट अटैक की हो सकती है, कार्डियक अरिथमी से हो सकती है, जैसे मैं जिस केस का मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसको मोस्ट प्रोबेबली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुई होनी, जो एक उसने सेकंड विंड लगाया कोलैप्स होने में, अपने बात करते करते कोलैप्स हो गया। तो कई कॉम्प्लिकेशन हैं जो कार्डियक हैं, इस तरह किडनी की प्रॉब्लम भी है बहुत से लोगों में, किडनी जिनकी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज है वो थोड़ी सी वर्षन हो जाती है, थोड़ी सी ठीक हो जाती है, कई लोगों की बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है और डायलिसिस चले जाते हैं। बिल्कुल सर। और तो इसलिए ठीक है सर, मैं आगे आपसे समझता रहूंगा और लोगों के लिए क्या इसके लिए विकल्प हैं उस पर भी हम बात करते रहेंगे। डॉक्टर प्रज्ञेश भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर प्रज्ञेश क्योंकि आज के समय में
लोगों की जिंदगियां कैसे खत्म हो रही है ये तो पूरा देश देख रहा है, पता नहीं चलता। कल रात में एडमिट हुए, अगले दिन सुबह तक तो खबर आ जाती कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जो पोस्ट कोविड वाले सिम्टम्स हैं, पोस्ट कोविड में ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे इग्नोर भी किया जा सकता है? मसलन अगर बहुत ज्यादा कमजोरी है तो उसे खाते पीते हुए ठीक कर सकते हैं जैसा डॉक्टर्स बताते हैं? देखिए, पोस्ट कोविड में बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जी, तो या जॉइंट पेन है शरीर में, जो मायल्जियास की वजह से जो शरीर में दर्द हो रहा है, इन सिम्टम्स को आप एक बार फिर इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे हार्ट रेट बढ़ने की वजह से पाल्पिटेशंस, जैसे पाल्पिटेशंस वगैरह हैं, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जल्दी सांस फूल रही है जी, ये जो सिम्टम्स हैं इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो छोटी छोटी जो वेसल्स होती हैं या नसें होती हैं उनमें जो थक्का जमने की वजह से, ये कोविड का मेन जो 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 पैथोलॉजी होती है उसकी वजह से जो डैमेज पहुँचता है जैसे लंग्स को या हार्ट को या ब्रेन को, इनकी वजह से जो समस्या है इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर पाल्पिटेशंस ज्यादा हो रहे हैं या हार्ट रेट लगातार बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि हार्ट को कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज पहुंचा हुआ है, तो इसको ध्यान दें तो ज्यादा आगे है ना किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम से बचा जा सकेगा। अच्छा, कुछ चीजें जैसे कि आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, साइकोसिस में जा रहा है या डिप्रेशन में जा रहा है, तो वो एक तरह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अब ये आगे ध्यान देने योग्य बात है कि क्या ये ब्रेन की छोटी छोटी नसों में जो थक्का जमने की वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सभी कुछ संभव है, लेकिन जो मुख्य बात है वो जो हृदय से रिलेटेड है या सांस लेने से जो संबंधित है। एक और चीज जो हम लोगों ने देखी है कि जो हमारे पास पेशेंट एडमिट हैं उनमें कभी कभी नाक के आसपास या जो बोलते हैं साइनस वाले एरिया में उनको या आंख के आसपास दर्द शुरू हो जाता है, तो इस चीज को भी काफी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ठीक है, ये म्यूकोमाइकोसिस का वो हो सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत होती रहेगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर दरअसल दिल्ली से, जहां कोरोना पॉजिटिविटी की रेट घटने पर केजरीवाल ने संतुष्टि जाहिर की है। दिल्ली से खबर है जहां कोरोना को लेकर केजरीवाल का बयान सामने आया, तीसरे लहर के लिए तैयार रहना होगा। अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा, दिल्ली में संक्रमण दर कम होना अच्छे संकेत है। केंद्र सरकार से और वैक्सीन की मांग भी सीएम ने की है। 3 महीने में वैक्सीनेशन पूरा करने का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल ने रखा है। तीसरी लहर की बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। एक और हमें अपना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि पीक निकल चुकी हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में केसेस कम हो, लेकिन सरकार में होते हुए और दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए मैं अपनी तरफ से कोई भी ढिलाई नहीं देना चाहूंगा। आज हम 1 से 1.25 लाख डोज पर डे दे रहे हैं, हम इसको 3 लाख तक ले जाएंगे अगले कुछ दिनों में। तो 3 लाख डोज पर डे अगर हम देते हैं तो 90 लाख डोज हम एक महीने में दे सकते हैं। 3 महीने में हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। सप्लाई कम है। कंपनियों को हमने ऑर्डर प्लेस कर दिए, लेकिन जो हमारा मानना है कि केंद्र सरकार इसका आवंटन कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार से चिट्ठी आती है हमारे पास कि आपको इस महीने इतनी मिलेगी, इस महीने इतनी मिलेगी। केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दी जाए। सुमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, दिल्ली की वो स्थिति भी हमने देखी जब ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ था, वो स्थिति भी देखी जब लोग दर दर भटक रहे थे, अस्पताल से अस्पताल दौड़ लगा रहे थे, और उस मुकाबले आज पॉजिटिविटी रेट कम है, संख्या कम होती जा रही है, तो इस पर मुख्यमंत्री भी संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। लॉकडाउन का एक असर कह सकते हैं इसको हम? बिल्कुल अनुराग, देखिए कल के मुकाबले अगर आज की बात की जाए तो 3% जो है वो संक्रमण दर घटा है पिछले 24 घंटे में, तो ये एक राहत भरी खबर है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब 32 से 35% संक्रमण दर दिल्ली में पहुंच चुका था, और देखिए कल 22% के आसपास संक्रमण दर था और आज 19% के आसपास संक्रमण दर रहा है। और देखिए लगातार मामलों में भी कमी देखने को मिल रही है, 12,000 से अधिक मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं, और हालांकि चिंता वाली बात यह है कि मौतों का सिलसिला यहां नहीं रुक रहा है। कल के मुकाबले आज ज्यादा मौतें हुई हैं, पिछले 24 घंटे में 300 से अधिक जाने गई हैं, ये एक थोड़ी बहुत चिंता की बात दिल्ली के लिए है। और हालांकि मुख्यमंत्री ने संतोष जताया है कि संक्रमण दर जो घट रहा है उस पर उन्होंने एक तरह से कहा जा सकता है अनुराग कि उन्होंने जो मोर्टेलिटी रेट है, दरअसल सुमित जैसा कि आपने भी जानकारी दी, हालांकि नंबर्स में देखें तो वो कम जरूर हुए हैं,
लेकिन वो रेट कम होना बहुत जरूरी है। और अब तो एक और परिस्थिति देश के सामने है कि जब पोस्ट कोविड वाली स्थिति में लोग होते हैं तो वहां पर कई सारी बीमारियां उन्हें जकड़ ले रही हैं और कई तो जानलेवा बीमारियां। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, लेकिन आज ये तो सच्चाई है कि देश में अस्पतालों की बहुत कमी है, तमाम दूसरे संसाधनों की भी बहुत कमी है। सवाल दरअसल बेईमानी होगा ये पूछना, लेकिन फिर भी मैं पेशेंट्स की जरूरतों के हिसाब से समझना चाहूंगा सर, कि क्या पोस्ट कोविड अस्पताल बनना भी अब हमारे देश में जरूरी है, क्योंकि उसके लक्षण लोग घर पे बैठे तो समझ नहीं पा रहे इतनी आसानी से। नहीं, इसमें मुझे नहीं लगता अलग से कोई हॉस्पिटल की जरूरत है। जो हॉस्पिटल्स कोविड का इलाज कर रहे हैं वो सक्षम है पोस्ट कोविड सीक्वली से भी, और कुछ निजी अस्पतालों ने पोस्ट कोविड सीक्वली के लिए अपनी हेल्पलाइन बना दी है जैसा मेरी जानकारी में है, आप लोग उस पर फोन करके ले सकते हैं। लेकिन जैसे बात हो रही थी कि ये म्यूकर माइकोसिस खासतौर से जो गुजरात और महाराष्ट्र से कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, पिछले वर्ष गंगाराम से भी रिपोर्ट हुए थे इस तरह के 2-3 केस, बहुत कॉमन नहीं है। लेकिन इसमें जो लोगों को डायबिटीज होती है अनकंट्रोल्ड, उनको ज्यादा रिस्क रहता है। कुछ लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, ऑलरेडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, कैंसर का इलाज चल रहा है, या इनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो आजकल करा रहे हैं काफी कॉमन, IL-6 फेरिटिन बढ़े हुए हैं, और CT स्कोर जिनका निमोनिया का हाई होता है ICU में चले जाते हैं, उन लोगों में ज्यादा होता है। और इस समय जो समस्या आ रही है वो हाई स्टेरॉइड यूज की आ रही है। बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट्स को चाहे इंडिकेशन नहीं भी है तो भी स्टेरॉइड की मात्रा बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, उसको रैशनल करना उचित होगा। क्योंकि सर विकल्प क्या हो सकता है, क्योंकि अभी अभी हम देखें तो बड़े बड़े अस्पताल जो हैं वो लोगों को क्योर करने के लिए स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके विकल्प के तौर पर देखें तो क्या दूसरे विकल्प हो सकते हैं? नहीं, विकल्प की बात नहीं है जी, इसमें माइल्ड निमोनिया में इतना ज्यादा स्टेरॉइड की डोज देने की आवश्यकता नहीं है जो दी जा रही है। तो इसमें थोड़ा राशनिंग करने की है, फिजिशियंस को थोड़ी जानकारी और उपलब्ध कराने की बात है। ये हॉस्पिटल नहीं, क्योंकि लाखों पेशेंट हैं जो घर पे भी होम क्वारंटीन में भी चल रहे हैं, कोविड से ठीक हो रहे हैं। तो स्टेरॉइड को राशनली यूज करना है कि बहुत हाई डोज में ना दिया जाए। माइल्ड कोविड में तो माइल्ड निमोनिया में देने की आवश्यकता भी नहीं है यंग लोगों को, वो स्वतः ठीक हो जाता है। जिनको मॉडरेट और सिवियर है उनको दे, और जिनमें हाई रिस्क है, डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड है, उसको प्रिवेंशन के लिए पोसाकोनाजोल एक दवाई होती है जो इससे बचा सकती है, उसका इस्तेमाल भी लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं वो ICUs में, और इसको हाई रिस्क लोगों को फिर भी कर रहे हैं। लक्षण की जहां तक बात है तो इसमें देखिए, सिर में दर्द होना और फेस पे स्वेलिंग होना, एक तरफ की आंख थोड़ा सा ज्यादा स्वेलिंग होना, और इसमें जिन लोगों को ये एलर्जी होती है और उनके साइनसिस ब्लॉक्ड होते हैं जिसमें नेजोफेरिंजियल साइनसाइटिस रहती है, उन लोगों को ज्यादा रिस्क होती है इसकी, तो उन लोगों को ज्यादा एहतियात लेने की जरूरत है। हैवीनेस पता लगेगी, थोड़ा फीवर आ जाएगा फिर से, तो उसको इग्नोर ना करें, और मुंह में थोड़ा कहीं पे तालू में कहीं पे कालापन दिख रहा है या कहीं पे नाक में दिख रहा है, ड्राइनेस हो रही है, तो उसको जरूर वीकली चेकअप एक ENT स्पेशलिस्ट से कराते रहे, तो इसमें जल्दी पता लग जाएगा। तो शायद म्यूटिलेटिंग सर्जरी जो होती है कई बार, जिसमें आंख पे भी असर पड़ जाता है क्योंकि ये सारा इन्फेक्शन ब्रेन में चला जाता है। ठीक है, डॉक्टर ऋषि और डॉक्टर प्रज्ञेश भी हमारे साथ हैं। एमसी मिश्रा जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि सर गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ चेयरमैन खुद जुड़े हुए हैं, DS राणा जी। डॉक्टर साहब, DS राणा जी, अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, क्योंकि आपके यहाँ कई ऐसे पेशेंट्स होंगे जो अब तक कोविड से ठीक होकर जा चुके होंगे, जब वो अस्पताल से छोड़ दिए जाते हैं तो उन्हें एडवाइस क्या की जाती है, क्या एडवाइस की जाती है कि आपको क्या खाना है, किस तरीके से रहना है, उसके साथ साथ किन सिचुएशंस में आपको वापस अस्पताल में कॉन्टेक्ट करना है, क्या आप लोग उन लोगों को बताते हैं जो कोविड से लड़कर ठीक हो चुके होते हैं? अनुराग जी, दो टाइप के पेशेंट होते हैं जी। एक तो वो पेशेंट है जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, ये बहुत जरूरी है। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, कई बार ये चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं वार्ड में भी जी। पहले, सबसे पहले उनका इलाज वार्ड में भी होना चाहिए, और जब पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तभी उसकी दवाइयाँ लिखी होनी चाहिए हैं। इसमें दवाइयाँ थोड़ी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि कई बार ब्लड प्रेशर की दवाइयों की कम जरूरत पड़ती है, डायबिटीज की दवाइयों की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, जो भी ट्रीटमेंट है अंडरलाइन डिजीज़ का वो फिजिशियन लिखते हैं। इसके अलावा जहाँ तक कोविड का क्वेश्चन है, उसके बाद तो स्टेरॉइड वगैरह थोड़ी कम मात्रा में दे रहे होते हैं, कई लोगों को ये ठीक नहीं होते हैं, जो ठीक हो गए होते हैं तो कुछ नहीं करना होता है, तो जो ठीक नहीं होते हैं अभी भी सब लगते हैं कि लंग डैमेज ज़्यादा है, फाइब्रोसिस को लंग का फाइब्रोसिस लंग सूखने नहीं, उसके लिए थोड़ी थोड़ी स्मॉल डोज में स्टेरॉइड डॉक्टर देते रहते हैं, वाइटामिन देते हैं, और कोई भी चीज़ के लिए कोई उनको ये दे देते हैं, कुछ ही प्रॉब्लम हो जाए
डॉक्टर साहब ने अभी बताया ये कोई सांस की तकलीफ होती है, थोड़ी थोड़ी सांस की तकलीफ जिनको फाइब्रोसिस होने लगा उनको रहेगी, और यदि हार्ट की तकलीफ है किसी को पल्स बहुत कम हो रही है, पल्स बहुत ज़्यादा हो रही है तब भी, और ये छाती में दर्द हो रहा है तभी डॉक्टर को मिलना है, या पेशाब में जो कोई टेस्ट कराते रहें, जो लोग स्पेसिफिक किडनी डिजीज के लोग हैं, जो लोग नॉर्मल हैं, जो जिनको जो कोमर कंडीशन ही है वो तो ऑलमोस्ट घर जब जाते हैं तो बस वाइटामिन के साथ जाते हैं, उनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको तो यही बोलते हैं कि हफ्ते बाद डॉक्टर को मिल लेना, उसके बाद कभी हफ्ते बाद 10-15 दिन के बाद अपने डॉक्टर से या तो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लेते हैं या फिजिकली मिल लेते हैं डॉक्टर। ये बहुत बहुत अहम बात आपने भी और डॉक्टर एम सी मिश्रा ने भी बताई। डॉक्टर ऋषि और प्रज्ञेश का भी रुख करेंगे, फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी कि वैक्सीन लगवाने की जो प्रक्रिया है और खासतौर पर जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन लोगों के लिए वो प्रक्रिया किस तरीके से बहुत अहम हो जाती है, क्या उस पर भी प्रिकॉशंस बरतने की जरूरत है या फिर कोई दूसरे रास्ते के जरिए भी उसे बेहतर किया जा सकता है। से जंग बेहद बड़ी है और जो भी देश में इस जंग को जीत जा रहा है वो मान रहा है कि मान लो उसने बहुत अच्छा काम कर लिया हो, लेकिन इस कोरोना से जंग जीत जाने के बावजूद भी कई जंग इंसान अपने आप से शुरू कर देता है, कई बीमारियां उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है और उसी पर किस तरीके से बचना है, क्या सावधानियां बरतनी है। डॉक्टर्स का सबसे बड़ा पैनल इस वक्त हिंदुस्तान पर मौजूद है जो आपके तमाम सवालों का जवाब आपको दे रहा है, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है, सूबे में जल्दी सभी जिलों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा, अभी 18 जिलों में 18 प्लस वालों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें और तेजी लाने की बात कही जा रही है, वैक्सीनेशन का दूसरा दौर चल रहा है और जल्दी तीसरा दौर शुरू कर दिया जाएगा, ये 18 प्लस वालों के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में 18 प्लस वालों को वैक्सीन लगेगी तब कोरोना से लड़ाई जीतने में बेहद आसानी हो जाएगी। सेकेंड वेव में जो पीक पहुंचा था वह 30 अप्रैल था, उसमें 3,10,000 एक्टिव केस आए थे, आप अनुमान कर लीजिए 67,000 से कई गुना ज्यादा, 3,10,000 तक ये पहुंची संख्या, और एक दिन में सर्वाधिक केस आए थे वह आए थे 24 अप्रैल को, यह संख्या थी 38,055 की, आज 38,000 से घटते घटते ये संख्या आज जो प्रदेश के अंदर जो सबसे यानी कोविड पॉजिटिव के जो केस आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर वह 21,000 आए हैं, यानी 38,000 से घटते घटते हम 21,000 पर पहुंचे हैं, और इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर बढ़ाने यानी पहले चरण में हमने 18 प्लस के लिए 7 जनपद लिए, दूसरे चरण में 18 जनपद लिए और तीसरे चरण में हम लोग प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 18 प्लस को वैक्सीन के साथ जोड़ने की कार्रवाई करेंगे। आज देश में कोरोना से जंग जीतने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो है वैक्सीन, लेकिन कोरोना से नेगेटिव हो जाने के बाद यानी कि जो लोग पॉजिटिव हो जब नेगेटिव हो जा रहे हैं तो वो वैक्सीन का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, कब वैक्सीन ले सकते हैं, ये भी तमाम सवाल है और इसी पर जवाब लेने की कोशिश करते हैं। एमसी मिश्रा जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर डीएस राणा हमारे साथ हैं, डॉक्टर ऋषि गुप्ता है, डॉक्टर प्रज्ञेश है। डॉक्टर ऋषि मैं आप ही के पास आता हूं क्योंकि कुछ स्टडीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जब रिसर्च होती है तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती है, कुछ स्टडीज ये कह रही थी कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं अगर वो नेगेटिव आ जाते हैं उसके 6 हफ्ते बाद वो वैक्सीन ले सकते हैं, सर इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना चाहेंगे आपसे। डॉक्टर ऋषि कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर ऋषि प्लीज। या हाँ, तो जो आप आई थिंक जो डॉक्टर मिश्रा ने और डॉक्टर राणा ने बात बताई पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के लिए, तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के बाद में करीब जिनको सिवियर कोविड होता है 10-20% लोगों को लंग में फाइब्रोसिस हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन रहता है, चलने में सांस फूलती है, दिक्कत होती है, कई बारी कुछ स्पेशल दवाइयां यूज करनी पड़ती हैं जिससे पेशेंट ठीक रहे, तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है जो पोस्ट कोविड होता है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन है जो म्यूकोरमाइकोसिस की हम बात कर रहे हैं जो आजकल काफी चर्चा में है क्योंकि कई सारे पेशेंट्स बड़ा अनयूजुअल कॉम्प्लिकेशंस है और ये उन लोगों में देखा जा रहा है जिन जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड चल रहा है लंग की फाइब्रोसिस की वजह से, लंग के लीजन की वजह से। तो अभी एक नई दवाई आई है जिसको अभी आई थिंक इंडिया में भी अप्रूवल मिला है जिसको हम बार्टिनिब बोलते हैं जी। तो ये बड़ी अच्छी दवाई है जो IL-6 एंटागोनिस्ट है
और ये दवाई स्टेरॉइड की जगह पे यूज की जा सकती है। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि ये स्टेरॉइड तो बहुत सारी बीमारियों का कारक बताया जा रहा है, जितने भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं वो बोलते हैं कि इसके दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। जी, जिनमें जिन लोगों में हमें ये लगता है कि स्टेरॉइड की वजह से बहुत बड़े साइड इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है, उन लोगों में इस गोली को यूज किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर ऋषि, मैं आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर प्रज्ञेश, लेकिन जैसा कि हमारे न्यूज रूम से भी कुछ सवाल आए, उनमें दो सवाल है बहुत अहम। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव होने के बाद भी लूज मोशन जैसी दिक्कतें या पेट दर्द जैसी दिक्कतें, क्या ये कोई सीवियर सिम्टम्स है? जी प्रज्ञेश, डॉक्टर प्रज्ञेश प्लीज। ये भी एक पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स के एक सिंड्रोम्स में आ सकता है, अप टू 3-4 वीक्स, और जो लॉन्ग हॉलर्स बोले जाते हैं 12 वीक्स तक भी रह सकते हैं। इनमें जो जीआई जो सिम्टम्स होते हैं उसमें डायरिया, मोशन ऑन एंड ऑफ, पेट में दर्द, कभी कभी नौजिया, वॉमिटिंग, ऐसे सिम्टम्स भी फील हो सकते हैं। जी सर, ऐसा देखा गया है। ये परेशानी वाली बात तो नहीं है सर? और अगर इससे निजात पाना है तो किस तरह के मेडिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी क्या डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है? देखिए, डॉक्टर से सलाह लेना तो जरूरी है अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट लूज मोशन हो रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इससे आप डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑन एंड ऑफ हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, तो ये समय रहते ये सेल्फ लिमिटिंग भी हो सकता है, समय रहते अपने आप सही भी हो सकता है प्रॉपर खान पान से, और जो जैसे कि प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं उन सब चीजों से ठीक हो सकता है, लेकिन ये 12 हफ्ते तक भी रह सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल जैसे सिम्टम्स खत्म हुए तुरंत खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन एमसी मिश्रा जी, क्योंकि सवाल वैक्सीनेशन को लेकर भी है कि अगर 6 हफ्ते आपको कोविड नेगेटिव हुए हैं उसके बाद आप वैक्सीनेशन लीजिए, सर क्या इस तरह की कोई थ्योरी वाकई एग्जिस्ट कर रही है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है अनुराग, ये होती है। आप अगर कोविड से बिल्कुल अच्छे हो गए और आप बिल्कुल हेल्दी स्वस्थ फील कर रहे हैं, तो रिकवरी से 2 हफ्ते के बाद कभी भी आप टीकाकरण करा सकते हैं अपना, 4 से 6 हफ्ते के बीच में, लेकिन 2 हफ्ते बाद से आप करा सकते हैं। बहुत इस कोई संदेह की बात नहीं है, केवल आप स्वस्थ फील होना चाहिए आपको कोविड से रिकवरी के बाद, तो उसमें 3 हफ्ते बाद भी आप करा लें, 4 हफ्ते बाद भी करा लें, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी जो कोविशील्ड है उसमें 8 हफ्ते का गैप या 12 हफ्ते का गैप भी ठीक रहता है, जो कोवैक्सीन है उसमें अभी भी हम 4 से 6 हफ्ते के गैप की बात करते हैं, तो इसमें इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। और अभी तो वैक्सीन की डोजेज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है भी नहीं, तो अभी वैक्सीन जो लोग जिनको कोविड हो गया है वो तो निश्चिंत रहे, उनको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन अपने इन्फेक्शन से मिल जाती है और वो रहेगी काफी समय तक। अच्छा, तो उन लोगों को इतना कोई परेशान होने की बात नहीं है, वो जब भी वैक्सीन मिलती है और जो भी वैक्सीन मिलती लेकिन है, अगर वैक्सीन ले लें इस दरमियान तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हफ्ते रिकवरी के बाद से ये आपने वाकई बहुत बड़ा जवाब दिया है, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा पशुपेश की स्थिति मैंने देखी लोगों के बीच में। डॉक्टर डीएस राणा, मैं बहुत जल्दी से आपसे ये समझ लूं, क्योंकि कुछ पोस्ट कोविड सिम्टम्स रहते हैं, सूजन हो जाना, या फिर हल्का अगर आप चल भी लेते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि लूज मोशंस, इन सब दिक्कतों के साथ क्या वैक्सीन लेना ठीक है आफ्टर कोविड? जब कोविड हो जाता है तो जैसे डॉक्टर मिश्रा जी ने बताया कि भाई कोविड जिसको इन्फेक्शन हो रहा है वो भी एक किस्म का एक शॉर्ट वैक्सीन, एक किस्म की इम्यूनिटी हो जाती है पेशेंट में जी। और थोड़ी थोड़ी एंटीबॉडी बनती हैं, और डॉक्टर मिश्रा ने आपको 3-4 दिन पहले ये भी बताया था, जो एक बड़ा वैलिड रीजन है जी, कि जिस टाइम हमें कभी कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोविड हुआ है कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो फाइट कर रहा होता है, उसमें ब्लंटिंग हो जाती है, तो वैक्सीन लगा भी लेंगे तो उसकी रिस्पॉन्स की जो चांस है वो ज़्यादा कम होगा, इसलिए नुकसान कोई नहीं होगा। अच्छा। हम चाहते हैं कि जो वैक्सीन लगाए उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो डॉक्टर मिश्रा ने उसने ठीक बताया था, और अब तो वैसे भी जरूरी हो गया जब वैक्सीन की कमी है, तो 4-6 हफ्ते वैसे ही एक तो सिस्टम इम्यून सिस्टम ब्लंटिंग होती है इसलिए भी जरूरी है, दूसरा वैसे भी थोड़ी एक किस्म वैक्सीन लगी गई है, जो वैक्सीन जो एक छोटी वैक्सीन लगी नहीं लगाएं। बाकी रहा यार कोविड पोस्ट कोविड सिम्टम की बात है जी। वो 2 हिस्सों माने जाते हैं, एक तो जो कोविड के सिम्टम है, कोविड की स्वीकृत जाए फाइब्रोसिस है, चाहे अभी हार्ट की प्रॉब्लम है काउंट की या किडनी की प्रॉब्लम है काउंट की जी, और कुछ होते हैं डायरिया भी किया, डायरिया जो है स्पेशली डायरिया के बारे में है, डायरिया 2 वजह से हो सकता है, तो कोविड की वजह से हो सकता है और कोविड की ट्रीटमेंट वजह से हो सकता है,
जब हम इतनी एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे होते हैं तो लोगों को एक फिर ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया या जो डायरिया होते हैं वो उसके लिए प्रोबायोटिक्स वगैरह और देकर सिंपल कई बार इसबगोल और दही से दो से भी काम चल जाता है। ऐसे कई उसका करेक्ट डायग्नोसिस होना जरूरी है और जैसे करेक्ट डायग्नोसिस छोटे छोटे शहरों में तो नहीं निकल सकता है। जैसे हमारे ये हम तो सीधे वाईफाई करा के देख लेते हैं कि कोई बैक्टीरिया है या नहीं है या वैसे ही बिना उससे तो नहीं बिना उससे है तो प्रोबायोटिक्स तो कुछ भी नहीं देना है। अदरवाइज कई बार दो तीन दिन एंटीबायोटिक्स देकर देख लो बड़ा महंगा टेस्ट कराने की बजाय और जो पोस्ट कोविड का अपने आप सेटल कर जाएगा अपने आप। तो ये डॉक्टर साहब ये तमाम विकल्प हो सकते हैं और जाहिर तौर पर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कोविड से नेगेटिव हो जाने के बाद किस तरीके से तमाम चीज़ों को एनालिसिस करना है, बचना कैसे, क्या करना है। मैं आऊंगा आप लोगों के पास एक बार फिर से, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली से खबर है जहां एक मरीज की मौत का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक मरीज को अस्पताल के बाहर तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए देखा गया। अब इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। मरीज के बेटे ने ऑक्सीजन नहीं मिलने का आरोप लगाया। तस्वीरें शामली कोविड अस्पताल के बाहर की बताई जा रही हैं। वायरल वीडियो के मामले में आदेश जांच के दे दिए गए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं, दिल को झकझोर देने वाली। तुषार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जिस तस्वीर को आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी बताया जा रहा है जिसके चलते मरीज की मौत हुई है। अस्पताल के बाहर का ये दृश्य है और उस पर क्या कुछ कहा गया वो भी सुना देते हैं। शामली जनपद से संबंधित वायरल वीडियो के संबंध में ये बताना है कि हमारे L2 कोविड फैसिलिटी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई है, हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स हैं और सभी पेशेंट की एडमिशन वहाँ पे ली जा रही है। एक इमरजेंसी रूम नीचे बनाया गया है जिसमें सब पेशेंट आते हैं, उनको डॉक्टर जाँच करते हैं और एडमिशन के लिए रिकमेंड करते हैं। इस वायरल वीडियो में जो व्यक्ति हैं और वो किस दिन का है, किसी भी चीज़ का डिटेल हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। फिर भी एक टीम गठित कर दी गई है जो इसके बारे में जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी। हमारे डॉक्टर्स के पैनल का रुख करें, उससे पहले तुषार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन की, दिक्कत नहीं है तमाम दूसरी चीजों की, संसाधनों की, लेकिन ये अस्पताल के बाहर की तस्वीर और जो मृतक के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं था इसको कहते हुए एडमिट नहीं किया गया, क्या स्थिति है असल में? देख, तमाम दावे हैं और इन दावों पे यही एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो फिर मौतें हो क्यों रही है? जो परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब या तो परिजन झूठ बोल रहे हैं या फिर अस्पताल प्रशासन या फिर सरकार झूठ बोल रही है। कोई तो एक आदमी है जो झूठ बोल रहा है, अगर जो झूठ बोल रहा है उसके ऊपर FIR करनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऑक्सीजन अगर नहीं है तो फिर उसको एडमिट क्यों किया गया? लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार तमाम दावे की, कल भी अगर बात करें तो कल यहां के प्रमुख सचिव गृह ने बताया था कि काफी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो था वो उत्तर प्रदेश में आ चुका है। तमाम अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन आया है, बोकारो से ऑक्सीजन आया, लगातार ऑक्सीजन आ रहा है। लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल है, जो निजी अस्पताल है, उनकी मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो अपने रेट को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की कमी लगातार बता रहे हैं। अगर हम बात करें तो लखनऊ की ही बात करें तो लखनऊ में तमाम ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने अपने बाहर ये नोटिस चस्पा कर रखा है कि हमारे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अगर कोई हाई प्रोफाइल मरीज होता है तो उसको ये एडमिट कर लेते हैं। ऐसे एक दो अस्पतालों के ऊपर लखनऊ के जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। लखनऊ का ही सिप्स अस्पताल है जिसके बाहर आज भी नोटिस चस्पा है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, जो आदेश दिए जा रहे हैं वहां तक तो ये बात कन्वे की जा रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और निकलती है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बहुत जल्दी से मनोहर का भी रुख कर लेते हैं। मनोहर, आज तो दिल्ली या फिर राजधानी के आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए तो पूरी लड़ाई वैक्सीन पर आ गई है, लेकिन वो वक्त भी हमने देखा है जब ऑक्सीजन की कमी, तमाम दूसरी दवाइयों की कमी, इस पर भी लड़ाइयां होती रही हैं। आज स्थिति क्या है? जब लड़ाइयां नहीं हो रही है तो स्थिति बेहतर हो गई कोरोना को लेकर, ये वजह है या फिर सरकार ने इसके लिए कदम उठा लिया? देखिए, जो वैक्सीनेशन को लेकर के तो तमाम दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल धरातल पर वैसे, लेकिन जो सेकंड डोज को लेकर जो कन्फ्यूजन है वो लगातार बना हुआ है। कई अस्पताल जिसमें जो फर्स्ट डोज लगा चुके हैं, जो 45 इयर्स के जो वो है, उनको उनके लिए दिक्कत यह है कि वही हॉस्पिटल है उनको मना कर रहा है कि सेकंड डोज उनके पास नहीं है, ये एक कन्फ्यूजन बना हुआ। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि 18 प्लस से जो भी युवा या जो लोग हैं उनको, उनमें काफ़ी उत्साह है, वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। लेकिन उनके साथ एक और दिक्कत ये आ रही है कि उनका
का वेटिंग लिस्ट ज्यादा है, जिस तरीके से आज अगर बुक करवाया तो 7 दिन का उनके पास में वेटिंग रहेगा, तो ये जो उनकी जो नंबर का है अपॉइंटमेंट का है ये एक इशू है यहाँ पर। जिस तरीके ज्यादा सेंटर बना दिया जाए लोगों के ना, या फिर ऐसे जो पर डे का कोटा है वो बढ़ा दिया जाए तो लोगों को वैक्सीनेशन के लिए सुविधा हो जाएगी, क्योंकि एक सेंटर पर करीब 450 के आसपास का कोटा रखा गया है जो वो उसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लोग। ठीक है मनोहर, जाहिर तौर पर इन तमाम परिस्थितियों पर कैसे निजात पाया जाता है ये देखने वाली बात है। मैं बहुत छोटे छोटे सवाल डॉक्टर प्रज्ञेश पहले आपसे ले लेता हूं। डॉक्टर प्रज्ञेश, क्या अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मरीजों को खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है? क्या खाएं, क्या पिए, किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाएं? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद, क्योंकि स्टीरॉयड काफी लंबे समय तक चला होता है तो इसकी वजह से ब्लड शुगर का जो लेवल है वो बहुत बड़ा हुआ होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसी चीजें अवॉइड करनी है जिससे कि ब्लड शुगर लेवल और ज्यादा बढ़े। प्लस क्योंकि इतना लंबा जो बीमारी रहती है इससे शरीर में कमजोरी तो आ ही जाती है और प्रोटीन और जो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी हो जाती है रिकवर करने में। तो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद में थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट भी लेने की आवश्यकता है। ठीक है सर, मतलब कि हेल्दी खाएं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर एम सी मिश्रा, डॉक्टर डी एस राणा जी, डॉक्टर ऋषि गुप्ता जी और डॉक्टर प्रज्ञेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर आपने हर एक चीज़ पर बहुत बारीकी से जवाब दिया, वो तमाम एनालिसिस दर्शकों के सामने रखे, लोगों के सामने रखे, जिससे कि वो अपने आप को सेफ कर सकते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। खबर टिकरी बॉर्डर से है, जहां युवती की रेप और मौत से विवाद को लेकर यह खबर है। बीजेपी ने आंदोलन की आड़ में महापाप का आरोप लगाया तो साथ ही केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा। टिकरी बॉर्डर पर युवती से रेप, मौत का मामला, बंगाल की युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, बीजेपी ने इस बात को कहा है। दुष्कर्म के आरोपी किसान नेता नदारद हैं, बीजेपी ने यह आरोप लगाया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी हमला बोला, संगीन अपराध है, दोषियों पर कार्रवाई की जाए, उन्होंने भी ये मांग की है। आंदोलन की आड़ में पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। 26 जनवरी शायद देश कभी नहीं भूल सकता, लेकिन अब ये भी एक तस्वीर सामने आई जहां एक युवती के दुष्कर्म का आरोप लगा है। एक बंगाली युवती जो तथाकथित किसानों को समर्थन करने वो आई थी बेचारी अपने अभिभावकों के साथ, उस युवती के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म, गैंग रेप और उसके बाद शी इज नो मोर, शी इज डेड, शी इज सकम्ड इन अ हॉस्पिटल, और इस पे चुप्पी। और इस रिपोर्ट में ये एक बहुत दैनिक भास्कर में छपा हुआ है, बड़े बड़े अखबारों में छपे हुए हैं सब। किसान नेता योगेंद्र यादव घटना से वाकिफ थे, पुलिस को नहीं बताया। और तो और कई अखबारों में छपा हुआ है, आम आदमी पार्टी के नेता अनूप सिंह चनाउत ये गायब है, क्योंकि उनका नाम एलिजिटली उनका नाम उसमें आया हुआ है। नहीं, पूरी कार्रवाई की जाएगी और एक एक आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत जघन्य अपराध हुआ है, आंदोलन की आड़ में इस प्रकार के काम होना ये बहुत निंदनीय है। किसान आंदोलन को लेकर तो असल तस्वीरें हिंदुस्तान आपको लगातार दिखाता रहा है, और अब जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद संगीन है। अब इस मामले में कार्रवाई क्या की जाती है, इस पर भी तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर भी हिंदुस्तान पर खबरें लगातार चल रही हैं।